तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको करने आना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो इसके रिजल्ट ही याद कर लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये काफ़ी काम, बहुत जगह काम आएगा। तो चलो, ये कहता है कि ये प्लेनेट है मास एम, और ये मान लेता हूँ मैं प्लेनेट, इस प्लेनेट का मास बेसिकली एम है, और ये प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये सन के सबसे करीब वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है सन के सबसे दूर वाला पॉइंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और सन से डिस्टेंस मिनिमम होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्लेनेट मूव अराउंड द सन, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन। मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस को इन्होंने R1 लिया, मतलब ये डिस्टेंस R1 है प्लेनेट का सन के अराउंड, तो दिस इज़ द प्लेनेट, और ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है? तो इसको मैं पॉइंट 2 बोल देता हूँ और इसको मैं पॉइंट 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी V2 हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी V1 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस R1 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम रिलेटेड टू सेंटर। अब देखो, प्लेनेट कहीं भी हो, हमेशा जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सेंटर की तरफ ही आएगा। प्लेनेट और सन, मास ऑफ द सन MS लो, और अगर प्लेनेट यहाँ पे है तभी भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन की तरफ आएगा, सन से ही पास होगा। अगर प्लेनेट यहाँ है तभी भी सन से ही पास होगा, मतलब नेट टॉर्क जो है अगर सन पे निकालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो नेट टाउ 0 है, नेट टाउ 0 होता है ग्रेविटेशन में, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट आ गई। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ गया प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू MV1R1 बराबर होगा MV2R2। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, अब इसी की हमें फर्स्ट में इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है, जिसमें R1 और ये R1 और V1 दो अननोन वेरिएबल है यार, दो अननोन वेरिएबल है। तो अगर मुझे R1 निकालना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मुझे V1 की जो वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी M खत्म हो गया, तो MV2R2 डिवाइडेड बाई MR1, तो M ने M को ख़त्म कर दिया, तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो V2R2/R1 के इक्वल आ जाएगा। अभी इसको यहीं रहने देते हैं, हमें एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं R1 की वैल्यू निकाल लूँ और फिर V1 की वैल्यू फिर निकाल के यहाँ रख दूँ तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं R1 के टर्म में। तो एक इक्वेशन तो ये लगा दिए, सेकेंड जो इक्वेशन मैं लगाने जा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करा दूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दूँ, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 1 बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट 2। तो इन दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा, तो फर्स्ट पे मैकेनिकल एनर्जी ½ M V1² माइनस जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लैनेट, और यह आ जाएगा R1, बराबर होगा ½ M V2² माइनस जी मास ऑफ द सन M/R2। तो यहाँ से तुम देखोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से V1² और M कैंसिल कर दो, -2 × g mass of the sun R1 = यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर, तो V2² की वैल्यू -2 × g mass of the sun और R2। तो यहाँ से तुम देखोगे, अब मैं V1 की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ से V2 आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू देखो ऊपर क्या है मेरे भाई, तो V1 की वैल्यू है V2R2/R1। तो यहाँ से मैं V1 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो V1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखता हूँ तो V2² और यहाँ से R2² / R1² -V2² = 2 times g
मास ऑफ द सन आर वन माइनस टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन और आर टू। तो यहाँ से तुम देखोगे तो टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन यहाँ से कॉमन आ गया, आर टू माइनस आर वन और आर वन आर टू यहाँ से ले लिए हम। तो यहाँ से अगर वी टू देखोगे तो यहाँ से जो वी टू तुम देखोगे तो वी टू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, यहाँ से आर वन स्क्वायर ही आ गया। तो अगर तुम इसको देखोगे यहाँ से तो आर वन, एक आर वन ने एक आर वन को यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से तुम देखोगे जो वी टू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन और यहाँ से आर वन यहाँ कौन आ गया और यहाँ जाएगा आर वन प्लस आर टू ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी, वी टू की वैल्यू टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन आर वन और डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, और यहाँ से एक आर टू बच गया था ये वाला एक आर टू, और ये सब अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट एट द पॉइंट टू, तो दिस इज द वी टू। तो अगर मुझे वी टू इतना पता चल गया टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन आर वन और आर वन प्लस आर टू ये, तो अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो मास ऑफ द प्लैनेट और वी टू आर टू के सम के इक्वल होगा। तो ये यहाँ से कुछ नहीं करना, मास ऑफ द प्लैनेट और आर टू यहाँ ऐसे ही रहने दो, वी टू की वैल्यू टू टाइम्स जी है मास ऑफ द सन आर वन और यहाँ से तुम देखोगे तो आर टू आर वन प्लस आर टू अंडर रूट ये वाली चीज़। तो यहाँ से तुम देखोगे तो फाइनली इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो फाइनली जब इसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या मिलने वाला, आर टू को अंदर घुसा दोगे ये अंदर कर दो तो ये आ जाएगा टू जी एम मास ऑफ द सन आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू अंडर रूट। दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट एंड इट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा आपको। तो आप अपना बहुत ख्याल रखो और मेरे चैनल जेपीएस क्लासेस को आप प्यार दो, सपोर्ट करो और मोटिवेटेड रहो, और हम आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।